रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, ओ जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे प्यार में, जादू है तेरे प्यार में, जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में, तेरी बड़ी है प्यारी अखियां हैं नूरानी, सूरत तेरी बड़ी है प्यारी अखियां हैं नूरानी, सूरत तेरी बड़ी है प्यारी अखियां हैं नूरानी, सूरत तेरी बड़ी है प्यारी अखियां हैं नूरानी, नजर उतारूं तेरी जोगी जाऊं मैं बलिहारी, नजर उतारूं मेरी जोगी, हाँ हाँ जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हाँ जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, सभी गाने ताली बजाकर तेरा सबसे प्यारा भेष है तेरा न्यारा, रूप है तेरा सबसे प्यारा भेष है तेरा न्यारा, रूप है तेरा सबसे प्यारा भेष है तेरा न्यारा, सबको नाच नचाए जोगी कैसा भोला भाला, कैसा दाता जोगी देता कुछ नहीं लेता, तो कैसा दाता जोगी देता कुछ नहीं लेता, ओ तू तो कैसा दाता जोगी देता कुछ नहीं लेता, तो कैसा दाता जोगी देता कुछ नहीं लेता, देकर अपना आपा जोगी मुक्त हमें कर देता, देकर अपना आपा जोगी मुक्त हमें कर देता, हाँ तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे प्यार में।
कथा आपको और हम सबको कुछ सिखाती है। इसमें माताओं के लिए ये सीख है कि अपने अपने पतियों की बात माना करो। तो कितनी माताएं जो अपने अपने पति की बात मानती, देखो सच्ची सच्ची बोलना। हाँ अच्छा, इधर से अच्छा, कितने भाई बंधु हैं जो अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अरे कर दो, इसमें शर्माने की बात नहीं। देखो चलो अब सुनो, जिन भाइयों ने हाथ नहीं उठाया हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होगी, या हो सकता है कि समाज में उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बाद में ये न कहें कि ये पत्नी की मानता। पर बात यही सत्य है कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मानते वो भी है। और फिर मानने में बुराई भी क्या है? मुझे तो बुराई बताइए कि हाँ ये बुराई है हम मानते हैं। मानते तो सब हैं लेकिन स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक बार राजा ने कहा सबसे, पूरी सभा थी, सभा लगी हुई थी, कहा कि जो जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता होगा आज वो व्यक्ति खड़ा होकर सामने आए, उसको इनाम मिलेंगी 10 सोने की अशर्फी मिलेंगी और 1 घोड़ा मिलेगा। सब बेचारे चुप हो गए, कोई खड़ा ना हुआ। बोले जो जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है वो खड़ा होकर के आए और उसको ये इनाम मिलेगी। तो सब मानते ही थे तो सब बैठे रहे। एक व्यक्ति खड़ा होकर के आया, उसने कहा जी मैं पत्नी की एक भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं सुनता, मैं एक भी बात मानता ही नहीं हूं, मैं जो मेरा मन आता है मैं बस वही करता हूं, मैं बिल्कुल सुनता ही नहीं हूं। तब तो राजा ने 10 सोने की अशर्फी दी और 1 सफेद रंग का बढ़िया सुंदर घोड़ा दिया कि तुम बहुत बलवान हो भैया, बहादुर आदमी हो, तुम्हारा सम्मान होना जरूरी है, तुम ले जाओ इसको, ये तुम्हारे लिए है। ये बड़ा प्रसन्न हुआ और ले गया और घर पे पहुंचा तो पत्नी ने देखा सफेद घोड़ा। बोले सफेद घोड़ा ही नहीं 10 अशर्फी भी मिली है। बोले किसमें, कौन सा तुमने इनाम का काम कर दिया ऐसा? बोले राजा ने इनाम दी है प्रसन्न होकर कि जो जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता हो उसके लिए इनाम थी। तो सब तो बात मानते थे इसलिए किसी को नहीं मिला, मैं ही एक ऐसा बहादुर था, मैंने खड़े होकर बीच सभा में सबके सामने कहा कि मैं एक भी बात नहीं मानता अपनी पत्नी की। तो तुरंत राजा प्रसन्न हो गए, मुझे 10 अशर्फी दी, 1 सुंदर घोड़ा दे दिया, सफेद रंग का घोड़ा है देखो। पत्नी ने देखा, कहा कि हम घोड़ा लाए ही थे तो काले रंग का ले आते, सफेद क्यों लाए थे, ये रोज मैला हो जाएगा, कौन रोज इसको साफ करेगा धुलेगा, जब लाना ही था तो काला ले आते। बोले चिंता क्यों करती है, अभी जाता हूं, तूने पहले बताया नहीं, अभी चिंता मत कर, बस अभी गया। और अब सोच लो कि गया होगा तो क्या हुआ होगा, जिसके लिए इनाम मिली थी। तो भैया शर्मा रहे हैं मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं। पर एक बात तो ये समझ लो कि आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया, है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी बानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूसरे की मानकर चलते हैं वहां कोई समस्या नहीं, और जहां दोनों अकड़कर चलते हैं वहां परेशानी ही परेशानी रहती है। अब पत्नी अपने आप में अकड़ रहे हैं, पतिदेव अपने आप में अकड़ रहे हैं, बड़े अपने आप में अकड़ रहे हैं, छोटे अपने आप में अकड़ रहे हैं, तो ये अकड़ हमारे परिवार को संगठित नहीं होने देगी। ये संबंध कैसे हैं जहां अकड़ बाकी रह जाती है? पत्नी कहती है मैं कौन से ओहदे में कम हूं,
मुझे तो वेदों में ब्रह्माणी कहा है। पति कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, विद्वान कहते हैं पति परमेश्वर होता है। अब दोनों ही अकड़ रहे हैं, अब दोनों अकड़ रहे हैं और ये फैसला ही नहीं हो रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये फैसला करने की जरूरत क्या? मैं तो इतना सोचती हूं कि जैसे घड़ा एक बड़ा होता है और लोटा छोटा होता है, यदि घड़े से लोटे में पानी डालना है तो थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ेगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है इस बात का फैसला तुम क्यों कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा दोनों झुक जाओ तो जीवन में गृहस्थ रूपी गाड़ी आराम से चलती रहेगी, फिर गृहस्थ बोझ नहीं बनेगा, फिर गृहस्थ आपके ऊपर भार नहीं बनेगा। और बहुत सुंदर बात विद्वानों ने बताई है कि जब गृहस्थ में आ ही गए हो तो ऐसे मिलना जैसे दूध और पानी मिलते। जिन गृहस्थियों के या पति पत्नियों के मन नहीं मिलते तो समझ लेना कि दो लाशों का मिलन है, मन मिलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा कि ऐसे मिल जाओ दूध और पानी की तरह। ये सती कथा आपको बहुत कुछ सिखा रही है, दूध और पानी की तरह मिल जाओ। पर दूध पानी की तरह मिल भी गए तो एक जगह पे पहचान हो जाएगी, जब भट्टी पर चढ़ाया जाएगा दूध को तो पानी पहले जलने लग जाएगा। या फिर दूध पानी के जैसे मिल गए और थोड़ी सी उसमें खटाई डाल दी, नींबू डाल दिया, फिटकरी डाल दी तो दूध और पानी अलग अलग हो जाएंगे। गृहस्थ में भी बहुत सी फिटकरी पड़ेंगी आपके जीवन में, बहुत सी खटाई रूपी विचार आएंगे आपके जीवन में, बहुत सी भट्टी रूपी कसौटियां आपके जीवन में आएंगी, बहुत सी तपस्याएं आपके जीवन में आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी। यदि दूध पानी की तरह मिले तो फिर अलग अलग होने की संभावना है। इसलिए विद्वानों ने फिर और श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए कहा कि दूध पानी की तरह नहीं, मिलना है तो पानी और पानी की तरह मिलो। नहीं तो दूध को ये रहेगा मैं बड़ा, पानी अपने आप में छोटा, ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा। इसलिए पानी पानी की तरह मिलो कि कोई छोटा और बड़े का अहंकार ही समाप्त हो जाए। दो नदियों का जल मिले ऐसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे, ये हमारे विद्वान कहते हैं। फिर पानी चाहे महू का मिला दो, इंदौर का मिला दो, धामनोद का मिला दो, चाहे फिर पानी मथुरा का मिला दो, कितना भी पानी मिला दो और मिला करके जब उसको इकट्ठा कर दोगे तो आज तक ऐसा कोई पैमाना नहीं बना जो ये बता सके कि इसमें महू का पानी इतना है, मथुरा का इतना है, यहाँ का इतना, वहाँ का इतना, कोई नहीं बता सकता। हाँ, दूध को तो चेक किया जा सकता है, दूध और पानी को, लेकिन पानी और पानी को कोई ये नहीं बता सकता कि कौन बड़ा कौन छोटा, कितना ज्यादा कितना कम। इसलिए परिवार में ये सती जी की कथा से हमें सीख मिलती है, यदि सती भगवान शिव की उस समय बात मानती तो जीवन सुंदर चलता रहता। लेकिन सती तो माँ देवी है, भवानी है, वो कथा हम सब के लिए है। तो एक दूसरे की बात मान करके अपने जीवन को सुंदर बनाए। और जो लोग हाथ नहीं उठा पा रहे हैं कि नहीं, या तो बात मानते ही नहीं होंगे, या फिर कोई समस्या होगी, या फिर कोई मजबूरी, या फिर कोई बात उनके जीवन में होगी, तो मैं माताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास एक मंत्र है जो माताएं अपने अपने पति को वश में करना चाहती हैं, उसका एक बहुत सुंदर मंत्र मेरे पास है। यदि वो मंत्र चाहिए तो हाथ खड़ा कर, जिसको भी वो मंत्र चाहिए। और यही मंत्र आपके लिए भी है, भाइयों में से भी जिसको अपनी पत्नी को वश में करना है, या फिर किसी बहू को सासू माँ को वश में करना है। सासू माँ ज्यादा खटकती है नजरों में, कोई भी ऐसा हो, क्योंकि फिर पीछे से कमरे पे मत आना 10-11 से 12 बजे तक कि कान में चुपचाप मंत्र दे दो, वहां तो पतिदेव देख लेते। क्योंकि मेरे पास इस तरह से आती है माता और मैं जब पूछती हूं तो शर्माती, मंत्र है इसीलिए बोल रही हूं। आपको ये तो पता है कि सब सबका समाधान होता है, मंत्र होता है। और आप जाती भी हो बहुत सी जगह, माताएं जाती हैं, मेरी अस्तरेखा देख के बता दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो पति वश में हो जाए, तो फिर
महाराज जी ने कहा 1000 का नोट निकालो, अब तो वैसे बंद हो गया, अब 2000 का निकलवा लेते होंगे। अब आप बताइए कि उससे पति वश में करने का संबंध कैसा। फिर कहेंगे कुछ संकल्प करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। आप डॉक्टर के पास ठीक ठाक भी जाओगे तो भी वो आपको बिना दवा दिए वापस भेजेगा नहीं। आप जाती हो, ये आपके जीवन में मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रही हूं। बिना प्रमाण के नहीं कह रही, आप जाती हो, देखिए महाराज जी मेरा हाथ देख दो, मेरा नसीब, मेरी किस्मत। वशीकरण का मतलब ये नहीं है, मैंने कहा वश में करने, वश में करने का मतलब ये नहीं है कि बांध ही डालोगे। वश में करने का मतलब ये है, कौन बहू नहीं चाहती कि मेरी सास मुझे माँ की तरह प्रेम करे। सब चाहते हैं, हर सास चाहती है कि मेरी बहू बेटी बन करके मेरी सेवा करे, मुझे ऐसे ही रखे जैसे अपनी माँ को रखती। हर सास चाहती है, हर पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुगामिनी बने, पत्नी मेरे अनुकूल हो, और हर पत्नी चाहती है कि पति मेरे सम्मान की रक्षा करे, मेरी इज्जत की रक्षा करे। हर पत्नी और पति, हर एक रिश्ते में कुछ न कुछ उम्मीद सबसे है और सभी को है, चाहते तो सब हैं। लेकिन सत्य बात तो ये है कि वशीकरण की जब बात आती है तो आपका दिमाग कुछ और ही कहता है, क्योंकि आप उन प्रक्रियाओं से गुजरते हो। आपके मन में वो प्रक्रिया पैदा करने की अभी चाहत है, इसलिए आपने हाथ खड़ा नहीं। हाथ खड़ा कर सकते थे कि हाँ, हमें वश में करने का मंत्र, कोई तो ऐसा रास्ता हो जिससे हम अपने पति के चरणों की अनुगामिनी बन सके, कोई तो ऐसा रास्ता हो जहां हम अपने सास के हृदय की साम्राज्ञी बन सके, पूछ सकती थी। लेकिन पूछती ये है कि कोई रास्ता ऐसा हो जहां सास बोलना बंद कर दे। तुम अपना बोलना बंद कब करोगे? अपने बदलने की प्रक्रिया आप पूछती हो तो अच्छी बात है, दूसरे को बदलने का प्रयास मत करो। और वशीकरण के मंत्र की बात रही तो तुलसीदास जी ने जो इतना सुंदर वशीकरण का मंत्र दिया है, उसी मंत्र की मैं बात करती हूँ। मैं कान में मंत्र देने में विश्वास नहीं रखती, मैं विश्वास रखती हूँ उन मंत्रों पर जो मंत्र आपके जीवन को बदल दें। जो कार्य छुपके किए जाते हैं, हो सकता है कहीं खोट हो रहा है मन में, लेकिन यदि सत्य के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, तो पूरे समाज के सामने भी होते हैं। पूरे समाज के सामने जो मंत्र दिए जा रहे हैं वो भी आपका कल्याण करेंगे। और ये मंत्र मानो तुलसीदास जी ने हम सबको दिया, और ये आप सब अपने पल्लू में गांठ बांध कर ले जाना इस मंत्र को, फिर देखना आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता और आनंद होगा। कि तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। यही एक वशीकरण का मंत्र है। बाकी यदि आप वश में करने के मंत्र फुकवाओगे तो उससे काम बनने वाला नहीं है। यदि वश में करना चाहते हो किसी को भी दुनिया में, आप सबको वश में कर सकते हो। भगवान कृष्ण के पास क्या था? वही एक प्रेम था, वही माधुर्यता थी, सब उनके पीछे 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 हो लेते थे। वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। ये कटु वचन ही हमारे जीवन में कड़वाहट घोलते हैं।